Hi everyone, welcome to our channel anujindal.in. So today I have come up with a topic, एक ऐसे topic को मैं discuss करने वाला हूँ, एक ऐसे issue, एक challenge को मैं discuss करने वाला हूँ, जिसके बारे में हमको काफी queries मिल रही हैं आप लोगों से. So जो भी लोग RBA Grade B की तैयारी कर रहे हैं, so as you know RBA Grade B exam is about to happen. जो information मिल रही है कि it can happen, the phase one can happen in on 2nd of July और July end में phase two आपका हो सकता है. तो अगेन इट्स एन एक्सपेक्टेड डेट एज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बट अगेन अगर हम फिर भी बात करें कि तैयारी तो हमको अपनी कंटिन्यू रखनी ही है, तो काफी कैंडिडेट्स को क्वांट स्पेशली क्वांट सेक्शन में, आपके फेज वन के क्वांट सेक्शन में काफी प्रॉब्लम आती है दैट पीपल और एस्पिरेंट्स आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज अ मेजर एरिया ऑफ कंसर्न. तो उसी टॉपिक में मैं आज का ये वीडियो, आज का ये सेशन लेके आया हूँ, एंड आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल टेक्निक्स. मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन ही लिए हैं पास्ट ईयर्स के, उन क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उन पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट आपका एक ओरिएंटेशन थोड़ा सा शिफ्ट होगा कि कैसे क्वेश्चन को स्मार्टली हमको करना है. ओके, सो आई विल गिव यू सम ब्रॉड आउटलाइन टू यू. पहले मैं एक ब्रॉड आइडिया आपको दूंगा कि वट आर द डिफरेंट टेक्निक्स एंड वेज टू रिड्यूस द टाइम यू टेक टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ क्वांट, एंड उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा आपको सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर टू यू. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फिर आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो डू वॉच इट टिल द एंड. हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ क्वांट इन लेस टाइम, एंड दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर आरबीए ग्रेड बी. बाकी एग्जाम्स में भी आपको ये वीडियो हेल्प करेगी, लाइक सेबी, नबार्ड, अदर एग्जामिनेशन जो भी, जिनमें भी क्वांट सेक्शन आता है. ओके, तो ये कुछ एक ब्रॉड आइडिया मैं पहले आपको दे रहा हूँ. टेक्निक्स ये मैंने अभी खुद ही थोड़ा सा, आई वाज ब्रेनस्टॉर्मिंग, मी एंड सम ऑफ द अदर पीपल इन द ऑफिस, हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे, तो हमने ये कुछ आप लोगों के लिए कुछ ये वेज निकाली हैं. एंड एज आई एम डूइंग क्वांट एंड रीजनिंग ऑन अ डेली बेसिस, मैं क्वेश्चन रोज प्रिपेयर करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो डेली बेसिस पे जो मैं चीज एनकाउंटर करता हूँ, जैसे पास्ट ईयर क्वेश्चन भी बनाए थे हम लोगों ने, तो वहां से कुछ चीजें निकल के आई हैं. जैसे कि सबसे पहले आपको पता है मेजोरिटी पोर्शन इन योर आरबीए ग्रेड बी इज डेटा सफिशियंसी टाइप क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आते हैं. ठीक है, डेटा सफिशियंसी इज नॉट अ टॉपिक इन इटसेल्फ, बट इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन, ये मैं काफी बार बता चुका हूं आप लोगों को. तो डेटा सफिशियंसी क्वेश्चन में यू नीड टू एक्ट स्मार्टली. डेटा सफिशियंसी में आपको पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत कभी नहीं होती है. ठीक है, डेटा सफिशियंसी में सिर्फ हमको ये पता लगाना है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, तो बेसिकली एक क्वेश्चन होता है उसके नीचे दो या तीन स्टेटमेंट्स होती हैं, आपको बताना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट सफिशियंट है उस क्वेश्चन का आंसर देने में. तो आंसर नहीं पूछा है आपसे, आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट आंसर दे देंगी. तो क्वेश्चन को कंप्लीट पूरा सॉल्व नहीं करना है, एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें इतना पता लगाना है, वी नीड टू फाइंड आउट कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज सफिशियंट. सो जहां पर हम सेटिस्फाई हो जाए कि यस अभी मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, आंसर मिल जाएगा, तो व्हाई डू आई नीड टू सॉल्व इट फर्दर, देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट फर्दर. तो मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा आपको सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर टू यू कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. सो एक्ट स्मार्टली इन डेटा सफिशियंसी क्वेश्चंस. डेटा सफिशियंसी के काफी क्वेश्चंस में आप अपना टाइम सेव कर सकते हो इफ यू अटेम्प्ट इट वेरी वेरी स्मार्टली. ठीक है, और देखो जो भी मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ ये विद प्रैक्टिस ही आएंगी, जब क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, एज यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अप्लाई दीज टेक्निक्स वाइल प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर बेटर इन योर फाइनल एग्जाम. ओके, ऑलराइट, द नेक्स्ट टेक्निक व्हिच आई विल डिस्कस इज इंक्रीज कैलकुलेशन स्पीड. नाउ कैलकुलेशन स्पीड इज नॉट समथिंग व्हिच कैन बी इंक्रीज्ड इन अ सिंगल डे. ओके, सो it requires practice, it requires investment of time. So calculation speed, to increase calculation speed, one way is some Vedic maths techniques. You can learn some Vedic maths techniques which help in finding certain products, certain divisions easily. Like for instance, one very simple rule I tell you, I think many of you might be aware of it, that if you multiply a number something like this, so a square of a two digit number, 40, the square of 45, so a number ending with 5. So there is a technique to do this. You multiply the unit digits, 5 into 5, 25. And in the tens digit, you make plus 1. So 5 into 4, 20. So this is the square of 45. So these are some, like this, there are other similar techniques in Vedic maths.
for calculation, for multiplications and other arithmetical calculations. Okay, so you can learn those also in due course of time. It also helps a lot in increasing the calculation speed. Then calculation speed can also be increased through percentage, fraction, ratio, decimal conversion. What does it mean? So if you are very good in converting fraction to decimal, decimal to ratio, ratio to percentage, if you are very quick in that, then also it will help a lot, because many of the calculations you would be able to do in your head. Like in questions of profit, loss and discount, or in questions of simple and compound interest, this technique or this method will help you a lot. Like for instance, some people are very quick. So you get mixed fractions also in questions, you get different percentages also, you get decimals also. So if you know how to, like for instance, very simple example, 33.33%, it is equal to 1/3. So if you are very quick in those conversions, if you know them by heart, if they are on your tips, then it will really help you a lot, trust me. Then learn shortcuts and formulas. This is very, very important. There are various shortcuts and formulas in different topics, like speed, distance, time. Like in speed, distance, time, there is a formula for to find the average speed. There is a formula of harmonic mean. Okay, in some questions it applies. Similarly, you have shortcuts and formulas for time and work. So in time and work, we have LCM method, which is a shortcut method of doing the question of time and work. Similarly, you have mixture and allegation. So in mixture and allegations, you have this method of cross addition and cross subtraction. This is the mixture allegation method, which is a shortcut method of doing the question. Similarly, there are certain formulas in different topics. Like you have formula of successive discount, which is x plus y minus xy by 100. Now this is a shorter way of finding out the effective rate of discount in certain questions. Similarly, you have other formulas and other shortcuts. Like for instance, you have a formula for in the topic of, like for instance, some question you are given that there is a 100 liters of milk, you are removing 10 liters of milk and replacing it by water, and you are repeating this process two times, three times. So for that also there is a formula. Okay, so these formulas, shortcuts are very much there in different topics of quant, which will help you a lot in saving your time in certain questions. Okay, but it is important that we understand that where formula or shortcut can be applied and where it cannot be applied, because one shortcut would not apply in every question. So that will become more clear through practice only, when you practice more and more different types of questions. Okay, then another technique to reduce your time or to increase your speed in solving the questions of quant is, if you learn the squares of numbers, different numbers, I think you can easily learn squares up till 30, 40 or even 50. Okay. Similarly, you can easily learn cubes. I think at least up to 20, you can learn the cubes. Then prime numbers, if the list of prime numbers is in your tips, at least between 1 to 100. Okay. At least between 1 to 100. Then similar and other similar series, if you are aware, like if you are good at APGP. So APGP might, so question might not come from APGP, because APGP is not a frequent topic from which question has been asked by RBI. But APGP series, sequence series is very much there in your examination, in your syllabus. So if you are good at sequence series, if you are good at numbers, if you are good at identifying patterns, so that will also help in certain questions of number series and other questions, right? And then finally, elimination technique, eliminating the options or taking cues, taking hints from the options. Okay, that is also a very smart way through which you can score better in quant. Okay, taking help from the options. Okay, options do help you, options do give you hint. Okay, so I will discuss all these techniques. I have discussed these techniques in brief here. Now I will show you examples for each of these techniques, so that it becomes more clear that how to actually apply it in the question. Okay, now let us move to that. All right, I hope you are enjoying the session. Now, the first technique, act smartly in data sufficiency questions. Act smartly in data sufficiency questions. So I have taken a question here. What is the rate of compound interest? Okay, this is the question. And below this question, there are these three statements. Okay, like statement A says, a sum of rupees 1000 amounts to rupees 1331. At the rate of compound interest. This is statement one. Statement two, the amount was invested for the period of 3 years.
Okay, statement 3, the simple interest received on that amount in 1 year is equal to the compound interest received on that amount in the first year. These are the three statements. And in data sufficiency questions, you get options like, so let me write some options for you, like 1 and 2 only are sufficient to answer this question. Okay, then 2 and 3 only are sufficient to answer this question. Similarly, you have 1 and 3 only are sufficient to answer this question. Option D is, let's suppose all 3 are required to answer this question. And option E is, even all 3 are not sufficient. Something like that. Okay. Let's suppose these types of options you are given. So options do play a major role. I have already told you. And in data sufficiency questions also, options are helpful. Okay. So you can eliminate certain options also if you are smart enough. Now, what is the rate of compound interest? This is what they are asking. Now, even, you know, before you start solving or even before you use pen in this question, if you look very, very carefully, rate of compound interest, what is the formula of, you know, to find out the compound interest? It is principal 1 plus rate of interest upon 100 into time minus principal. This is the formula to calculate the compound interest. Okay, so basically, if you see how many variables are there, principal is one variable, rate of interest is second variable, and time is third variable. So when you have these three variables, then only you can calculate compound interest. Okay, basic, very basic understanding. Okay, before you solve this question, so in this question you are given the final amount, you are given the principal. Okay, you are given the final amount, you are given the principal. So basically, what is amount? If I do not deduct the principal, I will get the amount. Okay, this is what it is. So, and what is interest? Amount minus principal will be compound interest. Okay, if it is for the first, if the time is only 1 year, otherwise, so you, basically, you deduct the principal from the total to get the amount, to get the compound interest. Now, this is the formula for amount. And similarly, if you deduct principal, you get compound interest. This is the basic formula we have learned. Now, so from first statement, you only have principal and amount, but you still want rate of interest, okay, and time. You still want these variables, then only you can find the rate. Okay, so basically in this question, you want to find the rate. So if you have time, okay, if you have principal and if you have amount, you can find the rate. Out of the four variables, if you have the three variables, you can find the rate of interest. And even I would say amount is also not very necessary if you have compound interest. So you should have either of these two. Either you have this figure or you have amount figure. At least one you should have. So there are four variables: amount, time, principal, rate. And if you have the data of principal, if you have the data of time, if you have the data of amount, then you can find the rate. Okay. But again, one more point, you do not know whether it is compounding annually, compounding semi-annually, compounding monthly, compounding quarterly, because in compound interest, it also depends upon the frequency of compounding. So on the face of it, it would be, aapko aisa lag raha hoga ki pehli do statement ko use karke answer aa jayega, because principal hai, amount hai aur time hai, to rate hum nikal lenge. But here the trick lies. Because पहली दो स्टेटमेंट से आपको ये नहीं पता चल रहा कि कंपाउंडिंग एनुअली है, सेमी एनुअली है, कैसे है, बिकॉज क्वेश्चन में भी नहीं मेंशनड है. क्वेश्चन में रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, बट हमें ये नहीं पता कि जो सम है ये इन्वेस्ट हुआ है, ये कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है क्या, सेमी एनुअली हो रही है या मंथली हो रही है. तो इसीलिए ए और बी से आंसर नहीं मिल पाएगा इस केस में. आप एनुअली अज्यूम नहीं कर सकते हो कि अज्यूम करके हमने कर लिया. लेकिन अगर आप थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे देखोगे, स्टेटमेंट सी, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन दैट अमाउंट इन 1 year इज इक्वल टू द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन दैट अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर. एंड दिस स्टेटमेंट शोज, इंप्लाइज कि ये कंपाउंडिंग एनुअली है. तभी पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आएगा. अगर कंपाउंडिंग एनुअली है तो ही सेम आएगा. तो इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट यूज करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा. तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को. मैं वेरिएबल्स के थ्रू ही यहाँ पे आइडिया लगा पा रहा हूं कि तीनों स्टेटमेंट चाहिए, बिकॉज मुझे कंपाउंडिंग एनुअली है इसका आइडिया थर्ड से मिल रहा है. तो आंसर मुझे मिल जाएगा. तो आई डोंट नीड टू सॉल्व इट एक्चुअली एंड फाइंड व्हाट इज आर, उसकी जरूरत नहीं है. तो काफी क्वेश्चंस में ऐसे स्मार्टली आप अप्रोच करो, स्पेशली डेटा सफिशियंसी क्वेश्चन. तो ऐसे प्रैक्टिस करो कुछ क्वेश्चंस की,
कहीं पर आप इस तरीके से टाइम सेव कर पाओगे और अपनी एक्यूरेसी को भी चेक करना, वेरीफाई भी करना कि इस तरीके से आंसर आप सही निकाल भी रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। तो हो सकता है आप इसमें गलती करो, बट थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो गलती नहीं होगी। तो इस तरीके से टाइम हम सेव कर सकते हैं। लेट मी शो यू अनदर एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन देखते हैं, डेटा सफिशियंसी टाइप क्वेश्चन। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। तो यहां पे दो स्टेटमेंट्स हैं, इफ देयर इज अ मार्कअप ऑफ 360 एंड 10% डिस्काउंट इज गिवन देन प्रॉफिट इज 8%। ठीक है, एक और स्टेटमेंट गिवन है, इफ वॉच इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ 12% देन डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 216। ठीक है, दो आपको स्टेटमेंट गिवन है। ऑप्शंस क्या होंगे, जब भी दो स्टेटमेंट होती है तो ऑप्शंस क्या होते हैं, ओनली वन इज सफिशियंट, ओनली टू इज सफिशियंट, बोथ आर सफिशियंट, ओके बोथ आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। एक होगा आपका इधर वन और टू, ओके, और एक होता है नन ऑफ देम। ऐसे पांच ऑप्शन आपके बनेंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको मार्कअप गिवन है, ठीक है, आपको डिस्काउंट गिवन है, मार्कअप वैल्यू गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है। अब आप एक बात सोचो, अगर कॉस्ट प्राइस को मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है, तो आप यहां पे देखोगे मार्कअप ऑफ 360, तो ये मेरा मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, उस पर डिस्काउंट लगा देंगे, ठीक है, 10% का डिस्काउंट लगा दिया तो ये हमारा, ठीक है, डिस्काउंट लगा दिया, और प्रॉफिट परसेंटेज भी हमको गिवन है कितना, 8%। तो यहां से अगर आप देखोगे मेरे पास सफिशियंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मेरे पास वेरिएबल्स हैं। क्यों, अगर कॉस्ट प्राइस एक्स है, ठीक है, तो 8% का प्रॉफिट है, और अगर कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो देखो मैं सेलिंग प्राइस की इक्वेशन लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखोगे, आई एम राइटिंग द इक्वेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। यहां से भी सेलिंग प्राइस निकलेगा, यहां से भी सेलिंग प्राइस निकलेगा, तो मुझे यहां से सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। सेलिंग मतलब ये सेलिंग प्राइस को मैंने इक्वेट किया है, दोनों तरीके से सेलिंग प्राइस निकलता है। सेलिंग प्राइस आप प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करके भी निकालते हो और डिस्काउंट माइनस करके भी निकालते हो लिस्ट प्राइस में से। तो यहां से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। तो ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन में, मैंने यहां पे लिख के दिखाया आपको, बट जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, सफिशियंट प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको पता लगेगा, ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई यहां से मैं आंसर निकाल सकता हूं। स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशियंट टू गिव मी द आंसर। सिमिलरली अगर स्टेटमेंट टू देखोगे, यहां पे भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 12%, ठीक है, वॉच इज सोल्ड प्रॉफिट, तो अगर एक्स है आपका कॉस्ट प्राइस, तो 12% प्रॉफिट पे आप इसको बेच रहे हो, ये हो गया सेलिंग प्राइस एक्स इंटू 1.12। और एक और चीज गिवन है, डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, तो सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, तो देखो सेलिंग प्राइस आपका ये हो गया, ठीक है, और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस मतलब 1.12x माइनस x, इनका डिफरेंस गिवन है 216। तो यहां से भी मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मैं अपना कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं। तो सफिशियंट आपको ये देखना होता है, स्टेटमेंट पढ़ के ही मैं मतलब ये आइडिया लगा पा रहा हूं, मुझे सॉल्व करके करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली सफिशियंट हैं आंसर देने में। सो द आंसर विल बी ईदर वन और टू अलोन आर सफिशियंट टू गिव मी द आंसर। दोनों इंडिविजुअली आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है, बट ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस इजी क्वेश्चन में भी आप कैसे और अपना टाइम सेव कर सकते हो, दैट इज द की। ठीक है, बिकॉज बहुत से लोग इसको पूरा पूरा सॉल्व करेंगे फिर चेक करेंगे, बट मैं तो आपसे कह रहा हूं कि बिना सॉल्व करे, बिना पेन यूज करे भी आप इसका आंसर पता लगा सकते हो कि इंडिविजुअली दोनों से आंसर मिल जाएगा। मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि माइंड में भी आप ये चीजें डिसाइफर कर सकते हो, माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ आई हैव प्रॉफिट परसेंटेज है तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो इस तरीके से यू नो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। देन मूविंग टू द नेक्स्ट टेक्निक, इंक्रीज कैलकुलेशन स्पीड। कैलकुलेशन स्पीड में मैंने काफी बात करी, तो एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन का। सीक्वेंस सीरीज, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इन अ गिवन सीरीज ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, एक एक क्वेश्चन मार्क है, ये आपको निकालना है। ठीक है, लेट्स सपोज अब यहां पे क्या गिवन है, दे आर गिवन इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स। अगर आप देखोगे सेट वन गिवन है, सेट टू गिवन है, ध्यान से देखना। सेट वन में आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन गिवन है। सेट टू में ये एबीसीडी वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है इन एक्स वाई और जेड के बेसिस पे। अब यहां पे क्या ट्रिक है, यहां पे ट्रिक ये है कि अब एक तरीका तो ये है कि अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स निकालोगे, रूट्स निकालने का अपना फॉर्मूला होता है, बट रूट्स निकालने में भी यू नो एक फास्टर तरीका भी होता है रूट्स निकालने का, जैसे कि छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस यहां -10x+21 है। ठीक है, तो जब ये आपका इस मिडल टर्म का कोफिशियंट माइनस होता है और आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोफिशियंट प्लस होता है, तो यहां से हमको पता है कि दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, यहां से भी मुझे पता है दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। और यहां से भी अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, मैं जल्दी कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस, अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत स्ट्रांग है
तो मैं टाइम सेव कर दूंगा कि यहाँ पे -3x -7x+21 मतलब रूट में रहेंगे 3 और 7। इतनी फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है जब प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं। फिर जैसे ये इक्वेशन देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, 266 है बड़ा नंबर है और ये 33 है, तो यहाँ पे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा कि 19 और 14 का प्रोडक्ट जो है 266 होता है। बट अगर आप नंबर्स के साथ आप अच्छे हो, आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं, इफ यू आर वेरी गुड एट नंबर्स प्रोडक्ट्स मल्टीप्लीकेशन में काफी अच्छे हो तो जल्दी निकाल लोगे। HCF LCM अगर आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो आप इजिली निकालोगे। 19 और 14 होगा तो 19 और 14 इसके दो रूट्स हो गए। यहाँ पे स्मॉलर रूट चाहिए तो 3 ले लिया, यहाँ पे ग्रेटर रूट चाहिए तो 19 ले लिया, ठीक है। तो और इन कैलकुलेशन में भी आप फास्ट हो जाओगे अगर आपके स्क्वेयर्स, आपको स्क्वेयर्स की टेबल याद है, क्यूब्स की टेबल याद है, तो ये भी जल्दी से निकाल लोगे। एक्स की वैल्यू आ गई 3, तो 3+1=4, 16, 16+y। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस, एडिशन, बेसिक एरिथमेटिक, प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, अगर ये बहुत क्विक है आपका तो बहुत जल्दी क्वेश्चन आप काफी ये कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज कैलकुलेशन स्पीड, थोड़ी सी विद टाइम आपको डेवलप करनी पड़ेगी। देन एक और टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी, परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो, डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। इन चारों में कन्वर्जन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है इंटरचेंजेबली, तो ऐसे एक क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। बहुत अच्छा इसमें, बहुत अच्छा, आप इसमें स्मार्टली इस क्वेश्चन को करोगे तो काफी टाइम सेव करोगे। अ डीलर बॉट अ प्रोडक्ट फॉर ₹6,000, मार्क्ड इट्स प्राइस 55% अबव कॉस्ट, ठीक है। तो सीपी गिवन है इसका 6000 और मार्क्ड प्राइस है 55% अबव कॉस्ट। अब देखो, अभी 55% को भी निकालने का इजी वे हो सकता है या फास्टर वे हो सकता है। क्या 55% का मतलब क्या है? 50% + 5%, ठीक है। वैसे तो ये अपने आप में ही सिंपल है, बिकॉज 55 × 6 करोगे तो वो 330 आता है, तो वैसे तो इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम सिंपली वैसे भी नहीं होनी चाहिए। बट अगेन इस तरीके से भी समझो, 50% है एक तो 3000 हो गया, और 5% कितना होगा? 300 होगा, तो 9300। मतलब छोटी छोटी कैलकुलेशंस, जैसे बोलते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो छोटी छोटी चीजों में टाइम सेव करोगे वहीं से वो टाइम एक्यूमुलेट होकर बड़ा टाइम आपका सेव हो जाएगा। छोटी छोटी कैलकुलेशन में जो टाइम सेव करता है, जो माइंड में कर लेता है, वो बहुत टाइम सेव करता है, बिकॉज पेन से लिखते हैं हर चीज को तो टाइम लगता है, ठीक है। एंड सोल्ड इट एट अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड -%। अब यहाँ पे अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है, इसलिए फॉर्मूला और शॉर्टकट्स का भी रेलेवेंस है। क्या होता है? x + y - xy/100, अभी बताया था आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अगर आपको पता है, द शॉपकीपर हु बॉट द प्रोडक्ट मार्क्ड इट प्राइस 50%। अब देखो, डीलर ने शॉपकीपर को भेजा, शॉपकीपर ने खरीदा डीलर से, फिर शॉपकीपर ने उसको फर्दर मार्कअप किया 50% अबव कॉस्ट, और उसको उसने 25% डिस्काउंट पे बेच दिया, देयर बाय अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ डैश। तो यहाँ पे आपको चार ये ऑप्शंस गिवन है, आपको देखना कि इन चारों में से कौन से ऑप्शंस सेटिस्फाई करेंगे इन ब्लैंक्स को, कौन से ऑप्शन इन ब्लैंक्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऑप्शंस देखोगे सॉल्यूशन के लिए, तो मल्टीपल सेटिस्फाई कर रहे हैं, या तो 3 कर रहे हैं या 4 करेंगे, इससे ये पता लग रहा है हमको ऑप्शंस में से, ठीक है। ओके, अब देखो 9300 हो गया आपका इसका मार्क प्राइस, ठीक है। अब इसको खरीदा किसने? अब अच्छा, यहां पे और चीज की बने, डिस्काउंट दिया है 20%, ठीक है, एंड और कितना डिस्काउंट दिया वो हमको निकालना है, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है। तो यहां पे इस क्वेश्चन को करना हमको ऑप्शन से चाहिए, कैसे करना चाहिए? सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, लेकिन सब्स्टिट्यूट करने में भी टाइम सेव कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, फ्रैक्शंस, रेशियो में कैसे आप टाइम सेव कर रहे हो। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे, द शॉपकीपर हु बॉट द प्रोडक्ट मार्क्ड इट प्राइस 150% अबव कॉस्ट, तो उसने 150% पे मार्कअप किया उसको, और उसके बाद 25% का डिस्काउंट दे दिया, और प्रॉफिट आपको निकालना है। तो ध्यान से देखना एक चीज, 150% पे मार्कअप किया और उसको डिस्काउंट में बेच दिया, 25% डिस्काउंट पे बेचा, मतलब उसको बेचा कितने पे? 75% ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है। तो पहले 50% का उसको मार्कअप किया, फिर 75 का डिस्काउंट दिया। तो मैं क्या निकाल रहा हूं इसका, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसका सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज 3/2, दिस इज 3/4, तो ये आ गया 9/8। तो मतलब अगर सीपी इसका 1 है तो एसपी इसका 9/8 है। इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट कितना है? 1/8। प्रॉफिट कितना है? 9/8 - 1, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो उसने 1/8 प्रॉफिट, यानी कि 12.5% डिस्काउंट, 12.5% प्रॉफिट पे एक तरीके से उसको बेचा है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला है मैंने, लेकिन हमको क्वेश्चन में एब्सोल्यूट प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैंने प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लिया, तो अब देखो किस तरीके से काफी चीजें टाइम सेव हो रहा है। अब मैं ऑप्शन से क्विकली कर लूंगा, मेरे को एक चीज पता है 9300 का ये
डीलर ने बेचा है शॉपकीपर को, ठीक है। अब सक्सेसिव डिस्काउंट अगर 10 है, मतलब अगर यहाँ पे ब्लैंक में 10 है तो सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा, x प्लस वाई 20 प्लस 10 30 माइनस, तो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाई 100। तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, अगर आपकी फ्रैक्शंस परसेंटेज रेशियो पे अच्छी कमांड है, तो 30 माइनस 228 तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 28% डिस्काउंट पे बेचा है, ठीक है। इसका मतलब 72% वैल्यू पे बेचा है, ठीक है ना। तो जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। तो ये अब मेरे पास आ गया 93 into 72। अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरा प्रॉफिट 837 आएगा कि नहीं आएगा। प्रॉफिट मैंने अभी देखा 1/8 है, तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा, 8 into 9, और 93 into 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 837 आएगा। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है आंसर को, ऑप्शन जो ए है वो दोनों ब्लैंक्स में सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब जिस भी ऑप्शन में ए नहीं है उसको हटा दो, तो ऑप्शन डी हटा दो, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक हो गई इसी में। तो मल्टीपल टेक्निक्स एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो जाती है, ठीक है। ये मत सोचना कि एक टेक्निक एक ही क्वेश्चन में अप्लाई होगी, ठीक है ना। ऐसे सिमिलरली मैं बाकी भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकता हूं 15 को। तो इसमें ट्रिक क्या है कि 9300 है और यहां पे अब ये 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालूंगा, 20 प्लस 15 35 माइनस करूंगा फिर इसमें से, तो इस तरीके से कि 20 प्लस 15 35 और माइनस 3 कैसे कर दिया मैंने, 20 into 15 300 divided by 100। तो माइंड में क्विकली, ठीक है। तो ये हो गया 32% डिस्काउंट, यानी कि 68/100। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल, तो 93 into 68/8। तो ऐसे मैं चेक करूंगा कि ये वैल्यू 790.5 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये टेक्निक मैं आपको बोल रहा हूं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इस क्वेश्चन में, जो परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो कन्वर्जन काफी फास्ट अगर हमारा होगा तो हेल्प होगा। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो हमारी है लर्न शॉर्टकट्स एंड फॉर्मूलाज। ये मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे फॉर्मूलाज शॉर्टकट्स काफी हेल्प करेंगे, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक में कोई ना कोई शॉर्टकट, कोई ना कोई फॉर्मूला है। तो एक चीट शीट आप अपनी बना लो, सभी फॉर्मूले शॉर्टकट को एक जगह लिख कर रख लो एंड पेस्ट इट समवेयर ऑन द वॉल अलमीरा, सो दैट आप बार बार उन शॉर्टकट्स और उसको रिवाइज करते रहो और क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है उसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में शॉर्टकट लगेगा, जैसे कि अब ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ फर्स्ट वैरायटी, दो वैरायटी है, वैरायटी वन वैरायटी टू क्ले की, ठीक है। फर्स्ट वैरायटी जो है वो 36 रुपीज पर केजी पे है और सेकंड वैरायटी जो है वो 50 रुपीज पर केजी पे है, ठीक है। इसमें लिखा है रोहन अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर, ओके। अब ये मिक्सचर को जो सेल किया है दोनों को 57.6 पे किया है, लेकिन हमको सीपी निकालना है, तो सीपी निकालना है तो इसको मैं अब ये 20% प्रॉफिट पे किया है तो इसका 80% निकाल देंगे, ठीक है। इसका 80% निकाल लोगे तो वो आ जाएगा आपका 48। आप इसको सॉल्व कर लेना, सो दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 12। तो यहां से रेशियो मेरे पास आ गई। ये तो कोई शॉर्टकट है मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन को करने का, क्रॉस एडिशन क्रॉस सबट्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो यहां से 2:12 या 1:6 आपकी रेशियो आ गई। अब इसमें स्मार्टनेस आपको क्या दिखानी है कि आपको यहां पे गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट वैरायटी एंड द सेकंड वैरायटी इज 3 kg। ये जो डिफरेंस है, ये जो 5 का गैप है, ये 3 kg के बराबर है। ये जो 5 का गैप है ये 3 kg के बराबर है। और हमको निकालना क्या है, क्वांटिटी ऑफ क्ले ऑफ द फर्स्ट वैरायटी। तो मुझे रेशियो मिला है, अभी क्वांटिटी नहीं मिली है, रेशियो मिली है। लेकिन जब मुझे पता है कि इनका जो गैप है वो 3 kg के बराबर है, तो मैं दोनों की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। बट यहां पे अब एक्चुअली इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां से मुझे पता लग रहा है कि मुझे आंसर मिल जाएगा। अब डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है ये भी, तो इसलिए मैं अपना टाइम सेव करूंगा, मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालनी नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा कि आई नीड बोथ द स्टेटमेंट, सो बोथ ए एंड बी आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, बिकॉज एक से आंसर नहीं मिलेगा। दोनों को यूज करके, दोनों की इन्फॉर्मेशन यूज करके आंसर मिल जाएगा। और इसका एक्चुअली आंसर निकालने जाओगे तो कितना कितना आएगा, फर्स्ट वैरायटी 0.6 kg आएगी, सेकंड वैरायटी 3.6 kg आएगी, और दोनों का डिफरेंस 3 kg का आ रहा है। बट वो निकालने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बिकॉज डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ठीक है। और एक और टेक्निक मैंने आपको बताई थी, लर्न स्क्वेयर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स एंड सिमिलर सीरीज। लाइक ये क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन काफी आने लगे हैं, क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू ये क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको कंपेयर करना होता है कौन सी क्वांटिटी वन है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, क्वांटिटी वन ग्रेटर देन क्वांटिटी टू, क्वांटिटी वन लेस देन क्वांटिटी टू, ठीक है, क्वांटिटी वन ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी टू, क्वांटिटी वन लेस देन इक्वल टू क्वांटिटी टू। तो इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं इन क्वेश्चंस में। तो यहां पे भी इफ यू आर वेरी गुड एट स्क्वेयर्स, इफ यू आर गुड एट नंबर्स,
तो आप इजीली जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे विदाउट फॉर्मिंग द इक्वेशन, बिना इक्वेशन फॉर्म करे ही माइंड में ही इनकी वैल्यूज निकाल पाओगे. जैसे कि द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/6. तो एक तो या तो कन्वेंशनल वे से करो, पूरी पूरी इक्वेशन लिखो फिर वैल्यू निकालो. बट इफ यू आर गुड एट नंबर्स तो कई बार क्या होता है हमको स्ट्राइक कर जाता है कि यार ये दो नंबर्स होंगे. जैसे फॉर इंस्टेंस इसमें 6 और 3 है, दो नेचुरल नंबर्स हैं, इनका डिफरेंस 3 है और इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/3 - 1/6 वो भी 1/6 है. तो 2/6 - 1/6 1/6 होता है. तो ये अगर आप थोड़ा सा सोचोगे यार कि 1/3 मतलब 2/6 में से 1/6 माइनस करूंगा तो 1/6 आएगा. 2/6 क्या होता है? 1/3. तो वो बहुत प्रैक्टिस से है और नंबर्स के साथ अगर आप अच्छे हो, नंबर्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो बहुत हेल्प करता है काफी क्वेश्चंस में. सिमिलरली सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 394. अगर आपको पता है स्क्वायर्स की, अगर आपको पता है कौन से नंबर का स्क्वायर क्या है तो आप जल्दी से बता पाओगे कि कौन से दो स्क्वायर्स का सम 394 आ सकता है. ठीक है, तो ये काफी हेल्प करता है. स्पेशली ये जो नंबर सिस्टम में एक चैप्टर होता है, ऑल्दो आरबीआई में बहुत एक्सटेंसिवली नहीं पूछते हैं लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एचसीएफ एलसीएम से, रिमाइंडर थ्योरम से, कभी कभी यूनिट डिजिट क्या होगी, टेंथ डिजिट क्या होगी. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं अदर क्वेश्चन में. तो नंबर सिस्टम भी हमको कर लेना चाहिए अच्छे से बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमको हेल्प करता है. इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, यूनिट्स प्लेस क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, अगर किसी की पावर हम करेंगे तो पावर को रेज करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी. ये चीजें काफी हेल्प करती हैं इन ऑल द डिफरेंट टॉपिक्स बिकॉज नंबर सिस्टम एक बेस होता है मैथमेटिक्स का. ठीक है, ऑल राइट. सो आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. आई थिंक आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस सेशन. काफी प्रैक्टिकल टेक्निक्स मैंने आपको बताई है और अप्लाई करके दिखाया क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन में. और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, रैंडम क्वेश्चन नहीं है, पास्ट ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वहीं से मैंने उठाए हैं, मोस्टली वही क्वेश्चन आए हैं. So I hope you must have liked this video. तो बस जाने से पहले you can download this application from the Play Store. अगर अभी तक आपने application download नहीं करी है, काफी helpful है आप लोगों के लिए. Different exams के resources आपको यहाँ से मिल जाते हैं, Topper Strategy, Topper's videos. इसके अलावा do join our Telegram group. तो उसपे काफी हम information share करते हैं, free material share करते हैं, past year papers के analysis share करते हैं. Telegram group का link मैं आपको दे दूंगा. बाकी कोई भी course के बारे में आपको information लेनी हो या कुछ query हो syllabus के बारे में, eligibility के बारे में, तो you can also call on our number 9999466225. This is our counselor's number, आप उनसे बात कर सकते हो. 9999466225 इस पर भी आप बात कर सकते हो. ओके, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू इट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट, शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम अदर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई एंड अदर एग्जामिनेशन बिकॉज मैथ सब में आता है. एंड एट द लास्ट एक चीज और बोलूंगा कि ऐसी सिमिलर कोई भी वीडियो आपको चाहिए हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे लिख देना कि वी वॉन्ट अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक. जैसे कि आज जो मैंने वीडियो बनाई है ये आप लोगों की क्वेरी के बेस पे बनाई है बिकॉज हमको काफी क्वेरीज मिल रही थी रिगार्डिंग दिस की क्वांट में बहुत टाइम लग रहा है, कैसे हम कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करें. तो काफी क्वेरीज हमको मिली इसी सेम इशू पे, इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूं. तो इसीलिए सिमिलरली अगर आपके पास कोई और आपको कोई चैलेंज आपके सामने आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. ठीक है, आज की जो वीडियो है इसका फीडबैक भी जरूर दे देना मेरे को वीडियो के नीचे. ठीक है, चलिए गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर. अच्छे से तैयारी करनी है, ये टेक्निक अप्लाई करने की कोशिश करनी है ताकि फेज 1 में अच्छा स्कोर कर पाए. ठीक है, चलिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद.